हेलो स्टूडेंट, इन एमबी देयर इज चैप्टर यूनिट टू आल्सो अबाउट फिजिकल एजुकेशन. सो टुडे वी विल लर्न चैप्टर वन, दैट इज ह्यूमन बॉडी. आवर बॉडी इज जस्ट लाइक अ मशीन. हमारी बॉडी क्या एक मशीन की तरह है. इट हैज़ मैनी पार्ट, उसके बहुत से पार्ट्स होते हैं. ये देखिए, आप देख ही रहे हैं, फ्रॉम हेयर टू टो. दीज पार्ट्स आर नोन ऑर्गन. इन पार्ट्स को क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्गन्स. द बॉडी हैज़ बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ऑर्गन. बॉडी में हमारे दोनों इंटरनल ऑर्गन्स भी होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी होते हैं. दे बोथ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द सर्वाइवल ऑफ आवर बॉडी. दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए. बॉडी हैज़ डिफरेंट सिस्टम वर्किंग टुगेदर फॉर हेल्दी सर्वाइवल. बॉडी जो है डिफरेंट फंक्शन करती है हेल्दी सर्वाइवल के लिए. All the parts of the body are responsible to perform various functions. सभी body के parts कुछ ना कुछ function perform करती है. And they are divided into different system. और वो different systems में divide होती है. How do we take breath? हम लोग सांस कैसे लेते हैं? Breathing is the process that moves air in and out. Breathing कैसे लेते हैं? जब हम लोग सांस ऐसे अंदर लेते हैं. ऑफ द लंग्स, लंग्स के थ्रू, और ऑक्सीजन थ्रू अदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन सच एज गिल्स. गिल्स से कौन सांस लेता है? फिश. व्हेन वी ब्रीथ एयर गोज डाउन अवर विंड पाइप. जब हम लोग सांस लेते हैं तो एयर कहाँ जाती है? हमारे विंड पाइप पे. द विंड पाइप ब्रांचेस ऑफ टू आइदर लंग. दो लंग होते हैं, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग. ईच ब्रोंकस ब्रांचेस अगेन एंड अगेन इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्रांचेस लाइक अ ट्री. अभी देखिए, ईच ब्रोंकस जो है वो कितने पार्ट्स में से ब्रांचेस की तरह रहते हैं, से आपके ट्री. द टाइनियस्ट ऑफ दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड ब्रोनकल्स. वॉट इज कॉल्ड? दैट इज ब्रोंकल्स. दे सप्लाईज एयर इन टू अवर बॉडी. वो क्या करते हैं? एयर को हमारे बॉडी में सप्लाई करते हैं. देन केम आइज. दे टेक पिक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस एंड सी द पिक्चर्स टू अवर ब्रेन. हम लोग किससे? अपनी आँख से देखते हैं. लेकिन आँख से जब हम लोग देखते हैं, और हमारे कहाँ फील होता है? हमारे ब्रेन में. आवर ब्रेन वर्क्स आउट व्हाट आवर आइज आर सीइंग. हम लोग जो देखते हैं वही हमारे दिमाग में समझ में आता है हमको. दिस हैपन फ्रॉम द मोमेंट दैट व्हेन वी ओपन आवर आइज इन द मॉर्निंग टू व्हेन वी क्लोज आवर आइज एट नाइट. हमको समझ में आता है. दिस हैपन्स फ्रॉम द मोमेंट. जब से हम लोग अपनी आँख खोलते हैं सुबह और आँख बंद करते हैं, तब तक में जितनी भी चीज़ें हम लोग देखते हैं सब हमारे कहाँ फिट हो जाते हैं? हमारे माइंड में. हाउ अवर आइज वर्क. हमारी आइज कैसे वर्क करती है? आइज आर वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर बॉडी. भाई आँखें बहुत ही ज़रूरी हैं चीज़ों को देखने के लिए, दुनिया को देखने के लिए. दीज हेल्प अस टू सी अराउंड. हमारे चारों तरफ देखने के लिए हमें क्या ज़रूरत है? हमारी आँखें. डू यू नो हाउ वी सी. आपको पता है कि हम कैसे देखते हैं? अवर आई वर्क इन अ सिमिलर वे टू अ कैमरा. जैसे कैमरा होता है सब चीज़ कैप्चर करता है, वैसे हमारी आईज भी सब चीज़ कैप्चर करती है. लाइट पासेस थ्रू द लेंस ऑफ आवर आई एंड इज रिकॉर्डेड ऑन द बैक ऑफ द आई. आई में क्या लाइट पासेस होती है लेंस पे, और रिकॉर्ड कहाँ होती है? हमारे बैक ऑफ द आई, द रेटिना में. ये देखिए, रेटिना में सब कुछ क्या होती है? लेंस है आपका, यहाँ से आप देखते हो, और आपका कहाँ पे रिकॉर्ड होता है सब कुछ? रेटिना में. Do you notice something about this drawing of the eye? Yes, the picture that our eyes takes is upside down tool. Why don't we see things upside down? Well, our eyes send the picture to our brain and our brain turns the picture the right way up and tells us what we are looking at. So, we see things the right way up. सीधे हम लोग ऐसे देखते हैं ना, और सब चीज़ कहाँ हमारी फीड हो जाती है? जाके ब्रेन में. फिर क्या आपका ऑर्गन आता है? ईयर्स. अवर ईयर आर वेरी इंपॉर्टेंट. ईयर्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं. अगर ईयर्स नहीं होंगे तो हम लोग सुनेंगे कैसे? थिंक व्हाट इट वुड बी इफ, व्हाट वुड बी लाइक इफ वी कुड नॉट हियर पीपल टॉकिंग और म्यूजिक और द टेलीफोन रिंग और अवर पेट डॉग बार्क्स. अगर हम लोग को नहीं सुना, कैसा लगेगा जब कोई बात करे हमें नहीं सुनाई दे रहा, पाए म्यूजिक नहीं सुनाई दे रही, टेलीफोन करिंग नहीं सुना रहा, हमारे पेट डॉग्स बार्क कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, तो भी हमें नहीं समझ में आता. अगर तो वी ऑल नीड टू टेक केयर ऑफ अवर ईयर्स. हम लोग को अपने ईयर का ध्यान देना चाहिए. देर आर थ्री पार्ट्स ऑफ टू अवर ईयर. हमारे ईयर्स के कितने थ्री पार्ट्स हैं? आउटर ईयर, ये देखिए आउटर जो आपका दिखता है, मिडिल ईयर बीच का, एंड देन इनर ईयर,
ओके, सम ऑफ द हेयर सेल्स द इनर हेयर सेल्स क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिग्नल विच इज सेंट अलॉन्ग द ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन देन वर्क आउट वॉट वी आर हियरिंग. हर सब कुछ ब्रेन से कनेक्ट हो जाता है आपका. ईयर का भी सबसे इंटरनल पार्ट कहाँ से कनेक्ट रहता है आपके ब्रेन से, उस हिसाब से ब्रेन आपका वर्क करने लगता है जैसे ही सुनता है. द सेमी सर्कुलर कैनाल्स इन आवर इनर ईयर कंटेन फ्लूइड टू, यहाँ पे देखिए थोड़ा फ्लूइड रहता है. दे सेंड मैसेजेस टू अवर ब्रेन टू हेल्प अस टू कीप अवर बैलेंस व्हेन वी मूव. वो क्या करता है, ये हमको मैसेजेस जो हमारे ब्रेन में पहुँचता है और हमें काम करना उस हिसाब से हम अपना काम करते हैं. देन कम लिसनिंग. लिसनिंग क्या होता है भाई, सुनना. व्हेन वी रियली वांट टू लिसन टू समथिंग वी टेल आवर ब्रेन टू कंसंट्रेट ऑन दैट साउंड. जब हम लोग कुछ चीज़ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जब आप केयरफुली उसको लिसन करेंगे सुनेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ. इफ़ आवर ईयर्स आर हेल्दी एंड आर बोथ वर्किंग वेल, अगर हमारे कान अच्छे और दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं, दे कैन टर्न डाउन और ट्यून आउट अदर साउंड. वो सिर्फ कंसंट्रेट एक ही चीज़ पर कर सकते हैं बाकी चीज़ों को छोड़ के. वाइल वी कंसंट्रेट ऑन दैट वी वॉन्ट टू हियर, जो हमको सुनना है हम लोग वहीं सुनना चाहेंगे. इफ़ वन ईयर इजेंट वर्किंग एज वेल एज द अदर देन दे कान डू दिस वेल, अगर एक कान उस तरह से काम नहीं कर रहा है तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, अच्छे से नहीं कंसंट्रेट कर पाएंगे. इफ़ आवर आउटर हेयर सेल्स हैव बीन डैमेज बाई टू मच लाउड नॉइज, वॉट वी वॉन्ट टू हेयर कैन गेट मिक्सड अप एंड स्मूथर्ड बाई द अदर साउंड. अगर हमारा आउटर हेयर सेल्स अच्छे से काम नहीं कर रहा तो जो हमें कान में आवाज़ आएगी थोड़ी मिक्सअप आएगी, बहुत क्लियर नहीं आएगी. हेयर आर गिवन सम हेल्दी हैबिट्स, यू हैव टू लर्न ऑल दिस हेल्दी हैबिट्स. ओके, फर्स्ट इज ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, ये आप सबको पता है कि ट्वाइस अ डे ब्रश करना चाहिए हम लोग को, एक मॉर्निंग में और एक बिफोर स्लीपिंग एट नाइट, रात में सोने से पहले. देन ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर बिफोर एवरी मील, खाने से हमेशा बिफोर हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे से पहले आप एक ग्लास पानी जरूर पीजिए, खाते समय नहीं, ऑलवेज बिफोर योर मील. टेक अ शावर और बाथ एवरी डे, आपको रोज नहाना चाहिए. वॉश योर हैंड ऑफन, हमेशा हाथ धुलते रहना चाहिए. ईट 4 to 6 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ईट डे, आपको रोज अच्छे खाने और वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सब खाने चाहिए. ड्रिंक 8 glasses ऑफ वाटर डेली, रोज आप कम से कम 8 glass पानी पीजिए. एक्सरसाइज फॉर 20 minutes एवरी डे, रोज 20 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, रन कीजिए, वॉक कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, प्ले खेलिए. गो टू द डेंटिस्ट एवरी 6 months, हर एक 6 month पे आपको कहाँ जाना चाहिए, अपने डेंटिस्ट के पास. गेट अबाउट 8 hours ऑफ स्लीप ईच नाइट, रात में कम से कम 8 hours की स्लीप आपको लेनी चाहिए. ईट न्यूट्रिशियस मील एंड स्नैक्स डेली, आपको रोज अच्छे न्यूट्रिशियस मील और स्नैक्स लेने चाहिए, इसे आप दूध कॉर्नफ्लैक्स खा सकते हैं, है ना. ऑल द अबव हेल्दी एंड सिंपल हैबिट्स विल श्योरली गो अ लॉन्ग वे इन डेवलपिंग एंड शेपिंग अवर पर्सनैलिटी, अगर आप ये अच्छी हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करते हैं तो आप अच्छे से डेवलप करेंगे और आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी और आप चुस्त दुरुस्त को अच्छे हेल्दी रहेंगे. थैंक यू.